दोस्तों, अक्सर ही हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा हो, ये हर बार संभव नहीं होता है। तो कोशिश तो हर गार्डनर यही चाहता है, करता है कि उसके गार्डन हरदम अच्छे से ही मेंटेन रहे, पर मौसम के आगे हम सभी बहुत ही मजबूर हैं। तो बालसम इस तरह से पूरा बास्केट भर लिया है और बहुत ही अच्छी इनमें ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन बारिश जो इस प्रकार हुआ तो बहुत कुछ ख़राब भी हुआ। और कलर देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा। ये तो लास्ट ईयर का ही प्लांट है मेरा और ये दो नया है, और कटिंग से भी मैंने कुछ जगह ग्रो की है। और नेस्टेशियम इस वक्त बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए। और एक बहुत ही प्यारा रेड कलर का निकला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जो अभी बुरे कंडीशन में है मैरीगोल्ड और ये सहवंती, बहुत ही बुरा कंडीशन है इनका, और यहाँ से हटाना है। और कोलियस जो धूप काफ़ी तेज़ हो गया था तो कलर थोड़ा फेड हो गया है, बाकी मुझे कई सारे इनके कटिंग लगाई है और कई सारे अभी लगानी बाकी है। और मैं जूम कर दिखाऊँ तो ये देखिए, बेहद ही शानदार इसकी ग्रोथ चल रही है। इधर कैलिन कोई बहुत ही सुंदर खिला हुआ है और फिस्टल पाम भी अच्छा ही ग्रोथ किया हुआ है, अच्छा चल रहा है। और इस तरफ ये देखिए मेरा एक बास्केट, आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, बहुत ही सुंदर लगता है ये मुझे। और 3 बजे रात से काफ़ी बारिश शुरू हुई, तो पैरापेट पे रखे हुए कई कोलियस के प्लांटर जो ग्रो बैग में लगा कर रखी हुई थी इधर से गिरा है, तो मुझे अंदर इधर से जाकर कुछ प्लांटर को हटाकर तब करना पड़ेगा। और बारिश में इस प्रकार मेरा अडेनियम थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा, इसके कडेक्स तो ठीक है ना? तो हाँ, बिल्कुल ठीक है, और अब इसकी भी केयर ज़रूरी है अडेनियम की। इधर ये देखिए डेविल्स बैकबोन, कितना सुंदर विंटर में इसके लीव्स वेरिगेटेड की हो जाती है, वाइट से ये पिंक हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। विंका भी बहुत, ये वाला कलर बहुत ही डीप है, बहुत सुंदर लग रहा है। और दोस्तों कैलेंडुला भी देखिए अब खिलना स्टार्ट हो गया है, और ये धीरे धीरे करके पूरा भरेगा, ये खाली देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे ये भरेगा। और एक ये सारे सीड्स के थ्रू ही मैंने ग्रो की है। और लेट्यूस देखिए बहुत ही हेल्दी ग्रोइंग है, और इधर कैप्सिकम, और बिना पानी का इसका भी कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था, और जल्दी इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। देखिए कैसा ख़राब हो रहा है, बारिश ने इसकी भी हालत ख़राब की है, कुछ अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग, ये सारा कुछ पौधा जब झेलता है तो बहुत ही मुझे दुख होता है। और कैलेंडुला देखिए खिलने को बेताब, और एक ही रोज़ मेरा देखिए कितना सुंदर खिल रहा है, इसको रिपॉट करना है मुझे, और कुछ को तो मैं रिपॉट कर भी नहीं पाई, तो ऐसे ही है बारिश में बेचारा फिर भी खिल रहा है। देखिए हॉलीहॉक, जैबरीना हॉलीहॉक, और इसमें देखिए ये मेलो है जैबरीना हॉलीहॉक, जिसमें ब्लूम्स स्टार्ट हो गए हैं। और कल इसकी भी बहुत ही हालत ख़राब थी जब मैं इसको वाटरिंग करने आई थी, बहुत ही बुरा लगा मुझे मेरे पौधों की इस तरह से हालत देखकर। और दोस्तों रोज़ का ये हाल है कि जो अभी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग दे रहे थे और अभी थोड़ा खाली खाली सा दिखेगा, और पानी की कमी के कारण देखिए इसका ये हाल है। और फिर भी बेचारे खिल रहे हैं, फिर भी अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और क्या कहें। और दुख तो होता है अपने पौधे को इस कंडीशन में देखकर, और हमें अब जब हमने खुद ही शौक पाली है गार्डनिंग का, और तो हमें किसी से ये आशा तो नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे बदले हमारे पौधे का ख्याल रखे, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबके अपने अपने हिस्से के वर्क हैं, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो खुद इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है कि कब हमारा तबीयत ख़राब हो, कब हम बाहर जाएं, तो दिल पर पत्थर रखना ही पड़ता है हमें। और बारिश से देखिए किस कदर ये एक साइड से ऐसे झुक गया है ब्रायोफाइलम का पौधा, और इसको भी मैं थोड़ा सीधा कर दूँ इस तरह से। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं ऐसे दिखाती हूँ लाइट अंधेरा ना हो। और मेरी गोल देखिए ये ख़राब हो गए हैं, अब इसको मैं हटाकर और इसमें कुछ लगाने की सोच रही हूँ। ये मेरा कूलर का ये पुराना स्टैंड है, जो वाटर टैंक होता है ना कूलर का, उसी को मैं यूज़ की हूँ। और शकरकंद के फ्लावर देखिए कितना सुंदर लगता है,
इधर मदर ऑफ मिलियन एक बॉटल में लगाई हुई हूँ मैं, और ये मेरा गिलोय का प्लांट है जो अभी विंटर में डोरमेंसी में है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इधर से देखिए ऐसा लुक है इस प्रकार। और ये सारी पिटूनिया सब जो लगाई थी मैं, इसकी ग्रोथ ऐसी है, अभी ये छोटे छोटे ही हैं। इधर स्टॉक और पैंजी, सब केयर की कमी से देखिए इनकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो गया है। और ये सीड से सारा ही मैंने पिटूनिया ग्रो की है, अभी ये ब्लूमिंग को तैयार है। और लेट्यूस बहुत ही अच्छा से चल रहा है, और केल की भी ग्रोथ अच्छी पकड़ी हुई है। हालांकि जो हम लोग मार्केट से रेडीमेड बने बनाए पौधे लेकर आते हैं, जो ठंडी जगहों में पहले ही तैयार की जाती है, तो वो काफ़ी अच्छे से केल वहाँ बंधे बंधाए मिलते हैं, पर मैं सीड से ग्रो की हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है सीड से ग्रो किए हुए पौधे को ग्रोथ होने के लिए। और देखिए स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हुई नहीं कि एक जोरा में देखिए भर भर कर कलियां आने लगी। और कटिंग से ही मैंने ये देसी गुलाब ग्रो किया था, जिसमें अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। और एक मैं दिखाती हूँ आप सभी को, ये देखिए फ्लैट बीन सेम की फलियां काफ़ी भर भर कर लगी है, और इसकी जल्द ही मैं वीडियो शेयर करूँगी हार्वेस्टिंग की आप लोगों के साथ। और बहुत ही अच्छी चल रही है इनकी ग्रोथ। ये मेरा ग्राउंड से होते हुए टेरेस तक आया है दोस्तों देखिए। और इधर मेरे बैंगन के पौधे में देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, तो अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है। और वेस्ट में ही लगाई हूँ, जिससे मैं मूली निकाली थी ये वही वाला है। और इधर राइस बैग में मैं लगा कर रखी हूँ, देखिए कितना अच्छा ग्रोथ चल रहा है। और दोस्तों ये बोगनविलिया देखिए कितना सुंदर भर भर कर बंचेस में ये फ्लावरिंग हो रहे हैं, और बहुत ही सुंदर ये लगता है। इसके पेटल्स अलग ही पैटर्न में हैं, बहुत ही गुथे हुए हैं, तो बहुत ही ब्यूटी ऐड करती है मेरे गार्डन को, देख लीजिए आप सभी। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।